आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 58, गलातियों के नाम, संत पौलुस का पत्र। इस पत्र के मात्र 6 अध्याय है और गलातियों के नाम पौलुस के पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहली बिंदु, गलातियों के नाम पत्र की प्रस्तावना। दूसरा, पत्र का लेखक। तीसरा, पत्र का रचनाकाल। चौथा, गलातियों के नाम पत्र में क्रिस्त। पांचवा, पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। छठवां, पत्र का सर्वेक्षण। सातवां, गलातियों के नाम पत्र की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु प्रस्तावना पर आते हैं। जैसे बहुत सारे गैर यहूदियों ने सुसमाचार का स्वागत किया, यह सवाल उठा कि ऐसे लोगों को सच्चे क्रिस्तीय बनने के लिए मूसा संहिता का पालन करना जरूरी था कि नहीं। पौलुस ने यह कहा कि ईसा मसीह में विश्वास द्वारा मनुष्य धार्मिक बनते हैं, अतः मूसा संहिता का पालन करना जरूरी नहीं है। लेकिन गलातियों के बीच कुछ ऐसे लोग आए थे जिन्होंने पौलुस का विरोध किया था और यह घोषित किया था कि धार्मिक बनने के लिए मूसा संहिता का पालन करना जरूरी था। इस संदर्भ में पौलुस ने पत्र लिखा। पत्र का मुख्य उद्देश्य जो झूठी शिक्षा से प्रभावित है उन्हें सच्चे विश्वास और क्रिस्तीय जीवन में वापस ले आना है। दूसरा मुख्य बिंदु, पत्र का लेखक। विद्वानों का मानना है कि पत्र का लेखक निश्चित रूप से पौलुस ही है। पत्र के प्रारंभ में लिखा गया है, यह पत्र पौलुस की ओर से है जो ना तो मनुष्यों की ओर से और ना किसी मनुष्य द्वारा प्रेरित हुआ, बल्कि ईसा मसीह द्वारा और पिता ईश्वर द्वारा नियुक्त हुआ है। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 1। पांचवें अध्याय में भी लिखा है, मैं पौलुस आप लोगों से यह कहता हूं। अध्याय 5 वाक्य 2। छठवें अध्याय में पौलुस कहते हैं, इन बड़े बड़े अक्षरों को देखिए, मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं। अर्थात पौलुस ने किसी सचिव द्वारा नहीं बल्कि स्वयं अपने हाथों से पत्र को लिखा है। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का रचना काल। यह पत्र लगभग 54 ईस्वी में पौलुस की दूसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा के दौरान एफेसुस में लिखा गया था। पौलुस ने यह पत्र इसलिए लिखा क्योंकि एक रिपोर्ट फैली थी कि गलातिया की कलीसियाएं कुछ यहूदियों द्वारा झूठी शिक्षा के प्रभाव में आ गई थी। वे यहूदी शिक्षक ईसा में विश्वास करते थे, लेकिन वे गैर यहूदी विश्वासियों को यह शिक्षा देते थे कि उन्हें मूसा संहिता का पालन करना अनिवार्य था। देखिए अध्याय 1 वाक्य 7, अध्याय 4 17 और 21, अध्याय 5 2 से 12, अध्याय 6 12 से 13। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, गलातियों के नाम पत्र में क्रिस्त। क्रिस्त ने विश्वासी को मूसा संहिता और पाप के बंधन से मुक्त किया है और उसे सच्ची स्वतंत्रता दी है। क्रूस पर ईसा की मृत्यु और हर विश्वासी को पाप और संहिता के अभिशाप से आजाद करती है। अध्याय 1 वाक्य 4, अध्याय 2 20, 3 13, 4 5, अध्याय 5 24, अध्याय 6 14। अब हम पांचवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है संहिता से आजादी। यह पत्र दर्शाता है कि विश्वासी अब संहिता के बंधन में नहीं है, बल्कि क्रिस्त में विश्वास द्वारा उसे मुक्ति मिली है। जैसे ईश्वर ने मिस्र की गुलामी से इसराइलियों को मुक्त करने के लिए मूसा को खड़ा किया, वैसे ही उन्होंने संहिता के बंधन से मुक्त करने हेतु ईसा मसीह को नियुक्त किया
और पौलुस को उसका शक्तिशाली समर्थक बनाया। गलातियों का पत्र ख्रिस्तियों की आजादी की घोषणा करता है। अब हम देखते हैं मुख्य आयतें हैं अध्याय 2 वाक्य संख्या 20 और 21, अध्याय 5 वाक्य 1। अध्याय 2 20 और 21 में लिखा गया है, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मैं ईश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि संहिता द्वारा पाप मुक्ति मिल सकती है तो मसीह व्यर्थ ही मरे। अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 में लिखा है, जो दूसरा मुख्य पद है, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया, इसलिए आप लोग दृढ़ रहे और फिर दासता के जुए में नहीं जूते। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय है गलाती 5। क्रिस्त ने विश्वास द्वारा संहिता के बंधन से हमें स्वतंत्र किया है, अतः हमें इस स्वतंत्रता में बने रहना है। हमें सावधान रहना है ताकि यह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण ना बने। अध्याय 5 वाक्य 13 पौलुस कहते हैं कि आत्मा सामर्थ्य देता है और यदि हम आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। अध्याय 5 वाक्य 16 और उसका अंजाम होगा आत्मा का फल। गलातियों के पत्र अध्याय 5 22 और 23 और साथ ही साथ आत्मा से प्रेरित होकर के चलेंगे हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अब हम छठवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण। गलातियों के पत्र को क्रिस्तीय आजादी का महाधिकार पत्र कहा गया है। इस पत्र में पौलुस यह घोषित करता है कि पाप मुक्ति विश्वास द्वारा प्राप्त होती है, जो सच में मनुष्य को संहिता की गुलामी से आजाद करता है। लेकिन कुछ यहूदी कर्मकांडवादी यह सिखाते थे कि संहिता के पालन द्वारा पाप मुक्ति होती है। वे गलाती विश्वासियों को क्रिस्तीय आजादी को त्याग कर संहिता के बंधन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे। पौलुस विश्वास द्वारा पाप मुक्ति की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए और कर्मों द्वारा पाप मुक्ति के झूठे संदेश की निंदा करने के लिए यह प्रभावशाली पत्र लिखता है। इस पत्र को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है कृपा के सुसमाचार की रक्षा या सफाई, अध्याय 1 और 2। पौलुस अपने प्रेरितिक बुलावे की पुष्टि करता है और सुसमाचार को प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह झूठे शिक्षकों द्वारा विकृत किया गया था, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1-10 तक। वह विश्वास द्वारा पाप मुक्ति के सच्चे सुसमाचार के पक्ष में अपने जीवन संबंधी तर्क प्रस्तुत करता है कि उसने सुसमाचार को लोगों द्वारा नहीं बल्कि सीधा ईश्वर द्वारा प्राप्त किया है, अध्याय 1 वाक्य संख्या 11-24 तक। जब वह यरूशलेम में प्रेरितों को क्रिस्त में सच्ची स्वतंत्रता की शिक्षा को पेश करता है, वे उसकी प्रामाणिकता और उसके प्रेरितिक अधिकार को अंगीकार करते हैं, अध्याय 2 वाक्य संख्या 11-21। दूसरा मुख्य भाग है कृपा के सुसमाचार का स्पष्टीकरण, अध्याय 3 और 4। इन अध्यायों में विश्वास द्वारा पाप मुक्ति के पक्ष में पौलुस 8 कारण देता है। पहला कारण है गलातियों ने विश्वास से प्रारंभ किया और क्रिस्त में उनकी वृद्धि भी विश्वास द्वारा जारी रहना है, अध्याय 3 वाक्य संख्या 1-5। और दूसरा कारण है इब्राहिम विश्वास द्वारा धार्मिक माना गया था और आज भी वही सिद्धांत लागू है, अध्याय 3 वाक्य 6-9। तीसरा कारण
क्रिस्त ने संहिता के अभिशाप से उन सब का उद्धार किया जो उसमें विश्वास करते हैं। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 10 से 14 तक। चौथा कारण, इब्राहिम से ईश्वर ने जो वायदा किया वह संहिता द्वारा रद्द नहीं किया गया है। अध्याय 3 15 से 18। पांचवा कारण, संहिता मनुष्य की मुक्ति के लिए नहीं बल्कि इसलिए दी गई थी कि वह लोगों को विश्वास करने के लिए प्रेरित करे। अध्याय 3 19 से 22 तक। छठवां कारण, जो क्रिस्त में विश्वास करते हैं वे ईश्वर के दत्तक पुत्र है और वे संहिता द्वारा बंधे हुए नहीं हैं। अध्याय 3 23 से अध्याय 4 वाक्य 7 तक। सातवां कारण, गलातियों को अपनी असंगति को पहचानना है और उन्हें क्रिस्त में अपनी मूल आज़ादी को पुनः प्राप्त करना है। अध्याय 4 8 से 20 तक। और आठवां अंतिम कारण, इब्राहिम के दो पुत्र लाक्षणिक रूप से मूसा संहिता की तुलना में इब्राहिम को दी गई प्रतिज्ञा की श्रेष्ठता को प्रकट करते हैं। अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 21 से 31 तक। गलातियों के पत्र का तीसरा भाग है कृपा के सुसमाचार का कार्यान्वयन। अध्याय 5 और 6। झूठे यहूदी शिक्षक गलातियों को संहिता द्वारा पाप मुक्ति के बंधन में रखना चाहते थे, लेकिन पौलुस गलातियों को चेतावनी देता है कि संहिता द्वारा पाप मुक्ति और कृपा द्वारा पाप मुक्ति परस्पर विरोधी सिद्धांत है। अध्याय 5 1 से 12। साथ ही पौलुस उन्हें चेतावनी देती है कि वे क्रिस्त में विश्वास द्वारा आज़ादी का गलत अर्थ न लगाए और आज़ादी को कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं माने। सच्चा क्रिस्तीय न सिर्फ संहिता के बंधन से स्वतंत्र है बल्कि वह अंतर्यामी पवित्र आत्मा की शक्ति से पाप के बंधन से भी आज़ाद है। स्वतंत्रता शरीर की वासनाओं को तृप्त करने का लाइसेंस नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करने का सौभाग्य है। अध्याय 5 वाक्य संख्या 13 से अध्याय 6 वाक्य 10 तक। पत्र के अंत में पौलुस कहता है कि यहूदी शिक्षक सुसमाचार के लिए दुख भोगना नहीं चाहते हैं और शरीर के कतने में गर्व करते हैं, लेकिन पौलुस जिसने सुसमाचार के लिए बहुत कष्ट सहा है मसीह के क्रूस में गर्व करता है। अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 11 से 18 तक। अब हम सातवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, गलातियों के नाम पत्र की मुख्य शिक्षा, और इसमें कई सारी सुंदर शिक्षाएं हमें मिलती हैं। पहली शिक्षा है, हमें मसीह के साथ क्रूस पर मरना है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। अध्याय 2 20। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मर गए, हमें अपने पापों को क्रूस पर चढ़ाना है और मसीह के साथ मरना है ताकि मसीह हम में पुनर्जीवित हो सके। दूसरी मुख्य शिक्षा है, हम अब दास नहीं पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते विरासत के अधिकारी हैं। हम पाप, शैतान और मृत्यु के गुलाम थे, लेकिन ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमें गुलामी से बचाया और ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाए। पौलुस कहता है, आप लोग पुत्र ही है। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए आप अब दास नहीं है पुत्र है, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा के विरासत के अधिकारी भी हैं। अध्याय 4 वाक्य 6 और 7। तीसरी मुख्य शिक्षा है, हमें आत्मा के फलों को उत्पन्न करना है।
अच्छा एवं स्वस्थ पेड़ सही समय पर फल उत्पन्न करता है। यदि पेड़ फल उत्पन्न नहीं करता तो वह अच्छा पेड़ नहीं है। अच्छे क्रिस्तीय क्रिस्त से जुड़कर पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करते हैं, और पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। अध्याय 5:22-23। यदि हम इन फलों को उत्पन्न नहीं करते तो हमारा जीवन सही नहीं है। और चौथी मुख्य शिक्षा है, मनुष्य जो बोता है वही लूटता है। यदि मनुष्य अपने शरीर की वासनाओं को तृप्त करता रहेगा उसका विनाश निश्चित है। पौलुस कहता है, मनुष्य जो बोता है वही लूटता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लुनेगा। अध्याय 6:7-8। पांचवी मुख्य शिक्षा है, हमें भलाई करते रहना है। हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लुनेंगे। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है हम सबों की भलाई करते रहें, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी है। अध्याय 6:9-10। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों ने गलातियों के पत्र का अध्ययन करने का प्रयास किया है, और मेरा विश्वास है इस पत्र को समझने में आपको अवश्य कुछ सहायता मिली है।